चलिए आज पढ़ते हैं हम फिर से आगे पढ़ते हैं लाइट एंड रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं लाइट एंड रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन का फिनोमिना और रिफ्लेक्शन के लॉ सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिया था और उसके बाद इमेज की इमेज के टाइप भी पढ़ लिए थे। ठीक है, इमेज कैसे बनती है? ठीक है, इमेज आपका वर्चुअल इमेज कब होती है और आपका रियल इमेज कब होती है? ठीक है, ये सारे के सारे हमने फिनोमिना पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मिरर, मिरर के टाइप्स पढ़ेंगे, मिरर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे। आई होप टाइम रहा तो। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले मिरर। मिरर है क्या? ठीक है, मिरर एक तरीके का पॉलिश्ड, मिरर एक सरफेस है जिसका वन साइड पॉलिश्ड होता है और वन साइड क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग होता है। ठीक है, मिरर क्या होता है? वन साइडेड पॉलिश्ड होता है और वन साइडेड क्या होता है? रिफ्लेक्टेड होता है। तो हम अगर दें इस सरफेस व्हिच हैव वन साइड पॉलिश्ड एंड वन साइड रिफ्लेक्ट द आर लाइट व्हिच आर इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है, एक ऐसा सरफेस जिसमें एक साइड तो पॉलिश्ड हो और दूसरी साइड पर पड़ने वाली लाइट सारी की सारी क्या हो जाए? आपकी रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। तो हम कहें इसको अगर लिखे मिरर इज अ सरफेस व्हिच आर पॉलिश्ड वन साइड एंड रिफ्लेक्ट ऑल लाइट व्हिच इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है, मिरर क्या है? एक तरह का सरफेस है जो वन साइड की तरफ पॉलिश होता है और दूसरी तरफ से क्या होता है? सारी की सारी लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। सभी पड़ने वाली लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। उसी को हम क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। समझ में आया ये चीज? ठीक है, मिरर मिरर किसे कहते हैं? मिरर क्या है? एक साइड पॉलिश होगा और दूसरी साइड क्या होगा? आपका पॉलिश, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, ये आपका एक कुछ टाइप ये है, इसका एक साइड पॉलिश कर दिया जाए। ठीक है, और ये साइड जो है आपका, ये सरफेस आपका जो है रिफ्लेक्टिव हो, पड़ने वाली सारी की सारी लाइट अगर इसमें पड़े, इंसिडेंट हो, इंसिडेंट होने के बाद क्या हो? ये रिफ्लेक्ट हो जाए। सारी की सारी जो लाइट पड़ रही हो, सारी की सारी क्या हो रही? रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो ये जो सरफेस है इसको हम क्या नाम देते हैं? मिरर कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? मिरर कहेंगे। ठीक है, आदि तक दिख रहा हो तो उधर बैठ जाओ, दिख रहा है? ठीक है, तो अगर ये मिरर है तो मिरर कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। वन इज द प्लेन मिरर एंड अनदर इज द स्फेरिकल मिरर। वन इज द प्लेन मिरर एंड अनदर इज द स्फेरिकल मिरर। दूसरा क्या नाम है इसका? स्फेरिकल मिरर। टू टाइप्स ऑफ मिरर की बात करें हम, ठीक है, फर्स्ट टाइप क्या है? प्लेन मिरर। अब ये प्लेन मिरर कैसा है ये आपको देखना पड़ेगा। जो डेली हम मिरर यूज करते हैं सजने संवरने में, मेकअप करने में, वो मिरर क्या कहलाता है? आपका प्लेन मिरर है। ठीक है, और एक होता है स्फेरिकल मिरर। एक होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर की कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। वो होता है एक कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, पहले आप इसको नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
बात करते हैं हम प्लेन मिरर की, मिरर कितने टाइप्स होते हैं हमने देख लिया, प्लेन प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर क्या होता है, कैसा होता है और उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये बात करते हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर वो मिरर है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हो वो एकदम प्लेन जैसी हो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो, एकदम प्लेन हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे हो, प्लेन हो। अगर मैं बुक ये बात करूँ, मैं टेबल्स की बात करूँ, ये पूरा का पूरा एकदम क्लीन है, ठीक है। या तो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे ही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, ऐसे ही पूरा एकदम प्लेन हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। क्लियर बात। तो प्लेन मिरर है द मिरर विच हैव रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, एकदम प्लेन हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं, ठीक है। अब डेली अगर देखें आप जो मिरर आप यूज करते हैं तो कैसा होता है, एकदम प्लेन होता है ना, ठीक है। एकदम हाथ रखते जाओ कहीं भी आपका हाथ एकदम मुड़ेगा नहीं, एकदम सीधा एकदम निकलता हो जाएगा, तो उस मिरर को हम क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं, ठीक है। तो मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन इज कॉल्ड प्लेन मिरर। अब बात करते हैं प्लेन मिरर कुछ इस तरीके का होता है, एकदम एकदम ये सरफेस एक तरीके से सरफेस का प्लेन है और इसका वन साइडेड पॉजिटिव होता है और वन साइडेड क्या होता है, रिफ्लेक्टिव होता है। वन साइडेड पॉजिटिव एंड वन साइडेड रिफ्लेक्टिव होता है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। ये देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। तो ये जो लाइन है अगर हम इसको खींचें, ड्रा करें, तो इस लाइन को जो मिरर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है उस लाइन को हम क्या कहते हैं, आपका प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जो मिरर को दो पार्ट में डिवाइड करेगी उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ये एक तरीके से आपकी जो लाइन है, ठीक है, ये मिरर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, आधा ऊपर चला जाता है और आधा नीचे चला जाता है। तो ये जो लाइन है इसका नाम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अभी प्रिंसिपल एक्सिस हम ऐसे लाइन के थ्रू डिसाइड कर रहे हैं, बट आगे हम इसको कुछ अदर डिफिनेशन से डिसाइड करेंगे। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक तरीके से नॉर्मल की रिलेटेड की जाती है। नॉर्मल आपको पता होगा नॉर्मल कैसा होता है, हमने पहले लेक्चर में देखा था कि जब कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो उस पर जो परपेंडिकुलर लाइन पड़ती है, लाइट पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन जिस साइड से आती होती है, जिस पाथ से आती है, उसी पाथ से जिस पाथ से आती है और उसी पाथ से वापस चली जाती है, ठीक है। तो सेम फिनोमेना यहाँ पास, अगर ये परपेंडिकुलर लाइट पड़ेगी, परपेंडिकुलर लाइट पड़ेगी, इसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब रिफ्लेक्शन होगा लेकिन जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। तो ये पहले इस तरह से जाएगी फिर वापस आ जाएगी, और उधर की तरफ हम जो लाइन कंसीडर कर रहे हैं वो एक तरीके से कैसी है, इमेजिनरी है। उधर की तरफ जो लाइन खींचनी है वो एक तरीके से कैसा है, इमेजिनरी है, वो उधर की तरफ लाइट नहीं जाएगी। और इसी को थोड़ा सा ज्वाइन कर देते हैं तो इस लाइन को, इस लाइट को हम क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, इसी नॉर्मल भी कहते हैं तरीके से, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो हमने एक नॉर्मल ड्रा किया, इस नॉर्मल का नाम यहाँ पास हमने क्या दिया, प्रिंसिपल एक्सिस दिया, ठीक है। अब यहाँ पास अगर देखा जाए रिफ्लेक्शन का जो रूल है उसको फॉलो करते हैं। रिफ्लेक्शन का रूल क्या कहता है, एक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पास रख दें, ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पास रखें, ऑब्जेक्ट से ढेर सारी लाइट इमिट होगी, खूब ढेर सारी लाइट इमिट होगी, ठीक है। लेकिन उन लाइट्स में से, क्योंकि हमारे जो बॉडी है, ठीक है, वो लाइट इमिट करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखें वो लाइट क्या करती है, इमिट करती है, उस पर लाइट पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट करेगी तो लाइट इमिशन होगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट सपोज दैट यहाँ
पास कुछ रखा हुआ है, इसको हम एरो की तरह शो कर रहे हैं, तो ये लाइट जब इमिट करेगी तो इसके हेड से हम लाइट को कंसीडर करेंगे। कहां से कंसीडर करेंगे? हेड से, कि हेड से लाइट निकल रही है। एक्चुअली इसके सारे पार्ट से लाइट निकल रही है, लेकिन सारे पार्ट्स का लाइट लाइट हमको लेना नहीं है, हमको कहां से लेना? ओनली हेड से लेना। तो इसका हेड कहां पास है? हेड से एक लाइट चलेगी पैरेलल टू दिस नॉर्मल, या तो हम कहें प्रिंसिपल एक्सिस। हेड से हमेशा एक लाइट चलेगी पैरेलल पता है, अगर ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये कैसे सरफेस पे पड़ रही है? परपेंडिकुलर पड़ रही है। रीजन मैं आपको बता दूं, जैसे ये दो लाइन होती हैं, दो पैरेलल लाइन होती हैं, और दोनों की अगर ट्रांसवर्स लाइन कट कर दें, तो इसके करस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, हां? तो जाहिर सी बात है ये परपेंडिकुलर है, तो इसके ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा? करस्पोंडिंग एंगल बनेगा 90 डिग्री पे, ठीक है? तो ये जो लाइट पड़ेगी वो परपेंडिकुलर पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि ये पैरेलल है इस प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है? पैरेलल है, और इसको इस प्लेन को हम क्या कंसीडर कर लेंगे? ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है? तो अब ये लाइट परपेंडिकुलर पड़ रही है क्योंकि पैरेलल जा रही है, और परपेंडिकुलर लाइट पड़ने के बाद क्या होता है, वो लाइट अपने ही रास्ते वापस आ जाती है, अपने ही रास्ते वापस आ जाती है। ये रिफ्लेक्ट होकर के क्या आई? वापस आ गई। अब दूसरी जो प्रॉपर्टीज है फिनोमेना है क्या लाइट का, ठीक है? कि लाइट अगर मान लो आपका तिरछी पड़े, ट्रांसवर्स तरीके से पड़े, तब क्या फिनोमेना होता है? आपने क्या पढ़ा था कि अगर कोई ट्रांसवर्स तरीके से लाइट पड़े तो उस पर फिनोमेना होता है कि लाइट नॉर्मल से कुछ एंगल बना लेती है, नॉर्मल से कुछ एंगल बनाने के बाद ये नॉर्मल से एंगल बना करके रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो सेम फिनोमेना यहाँ पास भी होगा कि लाइट हेड से एक और से निकलेगी और यहां पास पड़ेगी जहां पास से प्रिंसिपल एक्सिस गुजर रहा है, और प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगी जिसका नाम इंसिडेंट एंगल है। प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगी जिसका नाम है इंसिडेंट एंगल, और इस इंसिडेंट एंगल के साथ जैसे ही रिफ्लेक्शन होगा अब ये अपने रास्ते वापस नहीं जाएगी, क्या करेगी? रिफ्लेक्टेड एंगल बना करके वापस आएगी। तो ये क्या आई होगी? रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्टेड एंगल बनाई, और ये एंगल आपको कुछ मिलेगा आर, और ये आई और आर आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, ठीक है? अब सोचिए, मैंने आपको इमेज जब पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कि अगर रिफ्लेक्टेड लाइट एक्चुअली इंटरसेक्ट करेंगी या अपीयर्स होंगी इंटरसेक्ट करते हुए, एक्चुअली में इंटरसेक्ट करेंगी या अपीयर्स होंगी इंटरसेक्ट करते हुए, तब इमेज का फॉर्मेशन होता है। याद आ रही है इस बात? तो एक्चुअली जब इंटरसेक्ट करेंगी तो रियल इमेज बनेगी, अपीयर्स होंगी इंटरसेक्ट करते हुए तो वर्चुअल इमेज बनेगी। अब दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट को जरा कंसीडर करो, यहां पास क्या रियल में ये इंटरसेक्ट करेंगी? एक रिफ्लेक्टेड लाइट इसी में है, ऐसे आ रही है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट ये से आ रही है, तो ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे आ रही है, यार कभी इंटरसेक्ट करेंगी है? नहीं करेंगी। तो कैसे करेंगी? वर्चुअली, या पीछे की तरफ बढ़ा दो फिर ये पीछे की तरफ वर्चुअली इंटरसेक्ट कर जाएंगे। तो इसको हम क्या करें? पीछे बढ़ा देते हैं, पीछे जैसे बढ़ाते हैं कुछ इस तरीके से, ये हो गया। अब ये लाइट यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर गई, और मैंने आपसे बोला था कि जहां इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहां पास इमेज बनेगी, या फिर वहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो वो परपेंडिकुलर इमेज कहलाएगा, बोला था आपसे, ठीक है? तो वही सिस्टम यहाँ पर भी है कि अगर मैं इंटरसेक्शन पॉइंट से ये इमेज है और यहां से अगर मैं नीचे की तरफ परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये परपेंडिकुलर भी क्या कहलाएगा? इमेज कहलाएगा। परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा? इमेज कहलाएगा। अब जरा सोचो कि ये जो इमेज है ये कैसी इमेज है? रियल है या वर्चुअल है? वर्चुअल इमेज है, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है, और ये मिरर के सामने बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है, बिहाइंड द मिरर। मिरर क्या होता है? मिरर का सामना किधर होता है? जिधर रिफ्लेक्ट
उसका मिरर का सामना होता है, ठीक है, जिधर पॉलिश सब्सटेंस होता है उसे हम बिहाइंड कहते हैं। तो ये बिहाइंड द मिरर बन रही है इमेज, और बिहाइंड द मिरर बन रही है जैसे ऑब्जेक्ट रखी हुई है हेड ऊपर है उसी तरीके से इमेज बन रही है हेड ऊपर करके। तो इस तरीके की इमेज जब हेड सेम टू सेम ऑब्जेक्ट की तरह हो तो इस तरीके की इमेज को हम क्या नाम देते हैं, इरेक्ट इमेज कहते हैं। इरेक्ट और इन्वर्टेड का कांसेप्ट बताया था, वर्चुअल इमेज कैसी होती है इरेक्ट होती है और रियल इमेज कैसी होती है इन्वर्टेड होती है, ये ना इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक है। तो ये कैसी इमेज है, ये इरेक्ट है, जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे ही बन रही है लेकिन बिहाइंड द मिरर बन रही है, और सेम टू सेम हेड जिधर ऊपर की तरफ इसका है ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर की तरफ। तो ये इरेक्ट इमेज का कांसेप्ट है, ये इरेक्ट इमेज है, ठीक है। अब इरेक्ट इमेज है ये एक्चुअल में हमको बिना स्क्रीन के दिखाई देगी, हमको फ्रंट पे दिखाई देगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखते हैं हम कि ये इमेज में जो कंसेप्ट है वो कैसा है, वो इमेज देखिए ऑब्जेक्ट और इमेज को देखिए, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों सेम सेम है, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों सेम सेम है। और दूसरा फंडा ये कहता है कि जो इतनी जितनी दूरी पर जितनी डिस्टेंस पर आपकी ऑब्जेक्ट रखी हुई है मिरर से, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है मिरर से फ्रॉम द मिरर, उतनी ही डिस्टेंस पर पीछे जाकर की इमेज बनेगी, ये प्लेन मिरर कहता है, ठीक है। हमें ये एक्चुअल में दिखाई देता है कि जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगी आपकी बिहाइंड द मिरर, उतनी ही डिस्टेंस पर। अगर 5 सेंटीमीटर सामने रखी हुई है ऑब्जेक्ट तो 5 सेंटीमीटर पर जाकर के पीछे इमेज बन रही है, ठीक है। आपको यहाँ पर फिगर में कुछ अलग तरीके से दिख रहा है लेकिन ये एक्चुअल में होता है, ठीक है। जितनी पीछे जाओगे आप उतनी ही ज्यादा आपकी जो इमेज है मिरर में पीछे होते हुए चली जाती है। जैसे आप जो अलमीरा में जो मिरर लगा होता है उसमें आप देखें जैसे पास आएंगे तो आपका चिक्का चेहरा बड़ा होता हुआ चला जाएगा, जैसे पीछे जाएंगे तो आपका इमेज भी पीछे होते हुए चला जाता है, ठीक है। तो जितना आपका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है मिरर का उतना ही इमेज का डिस्टेंस होता है पीछे मिरर का, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या दिखा, वर्चुअल इमेज बनी, इरेक्ट बनी, बिहाइंड द मिरर बनी, ठीक है। प्लेन मिरर में इमेज जो बन रही है कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रही है, कैसा सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रही है, यानी ऑब्जेक्ट की जितनी साइज है उतनी ही साइज के बराबर इमेज बन रही है, ठीक है। और दूसरी बात, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर आर इक्वल, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से और इमेज की डिस्टेंस मिरर से दोनों आपस में क्या है, सेम है, इक्वल है, क्लियर बात ये, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट ये कहता है इसका आगे का, ये कहता है कि ये लेटरली इन्वर्टेड होते हैं, ठीक है। दिस इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, इसकी जो इमेज बनती है लेटरली इन्वर्टेड होती है, वो लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, जैसे मैं फ्रंट में कैमरा उसके सामने खड़ा हूँ, मिरर के सामने खड़ा हूँ, प्लेन मिरर के सामने खड़ा हूँ, तो आपको कैसा दिखेगा कि आपका ही बंदा आपकी जो इमेज है वो सामने से आपकी तरफ मुंह उठा खड़ी हुई है, तो आपको क्या लगेगा, जैसे अभी कोई सामने मेरे खड़ा हो जाए, कोई बंदा इमेज छोड़ करके कोई बंदा खड़ा हो जाए तो क्या होगा, उसका लेफ्ट वाला जो सोल्जर है, उसका जो लेफ्ट वाला सोल्जर है वो किधर दिखाई देगा, मेरी तरह इधर दिखाई देगा, इमेज वो महसूस करेगा, ठीक है। अगर मैं देखूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा वो जो बंदा मेरे सामने मुंह उठाए खड़ा हुआ है तो उसका लेफ्ट शोल्डर किधर है, इधर, लेफ्ट शोल्डर इधर, राइट शोल्डर किधर है, इधर की तरफ, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये सिस्टम आपका, तो इसमें लेटरली इन्वर्टेड में क्या होता है कि जैसे आपके सामने खड़ा होता है इमेज सामने, ठीक है, तो आपका फेस उसका फेस सेम टू फ्रंट में होगा, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो लेफ्ट, ये जो आपका राइट शोल्डर है वो मिरर में इमेज में आपको महसूस लेफ्ट होता है, क्या होता है, लेफ्ट शोल्डर महसूस, आपका राइट वाला शोल्डर क्या महसूस होता है, लेफ्ट आपको लगता है लेकिन एक्चुअल में होता नहीं, लेफ्ट लेफ्ट ही रहता है, राइट राइट ही रहता है, समझ में बात, ठीक है। तो जो अब आपको लगे कि आपका लेफ्ट शोल्डर राइट दिख रहा है और राइट शोल्डर लेफ्ट दिख रहा है, तो उसी सिनोमिना को कांसेप्ट को हम कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है, मतलब आपको उल्टा दिखाई दे, एक्चुअल महसूस हो, दिखाई दे महसूस हो, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं प्लेन मिरर की,
और प्लेन मिरर आपका इमेज का फॉर्मेशन आपको दिख ही गया कैसे बन रहा है, ठीक है, कि दो रिफ्लेक्टेड लाइट एक दूसरे को कट कर रही है तो इमेज कहां बन रही है, ठीक है। तो अब हम इसको अगर इसको राइट डाउन करें, इमेज बनने के बाद अगर राइट डाउन करें तो हम सीधे सीधे एक एक प्रॉपर्टीज लिखते हुए चले जा रहे हैं। क्या लिखते चल रहे हैं, फर्स्ट बात कि इमेज कैसी होती है, इरेक्ट एंड वर्चुअल, समझ में आया, ठीक है। इरेक्ट मतलब सीधी और वर्चुअल मतलब आपकी आपकी इमेजिनरी, ठीक है, एक तरीके से जो दिखाई देगी आपको स्क्रीन पे नहीं जा सकती है। दूसरी बात यह है कि जो इमेज बन रही है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, ठीक है। इमेज जो बन रही है फॉर्म बिहाइंड द मिरर, इमेज कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तीसरी बात क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। तो ये लिखेंगे हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी, उसमें प्लेन मिरर में जो भी मिल रहा आपको इक्वल होगी। चौथी प्रॉपर्टीज क्या मिलेगी इसकी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, ठीक है। ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज कह सकते हैं आप, ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टीज क्या आया हमारे पास, दिस इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब समझ गए, आपको कैसा महसूस होगा, लेफ्ट वाला राइट महसूस होगा, राइट वाला लेफ्ट महसूस होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका जो इमेज बन रही है वो कैसी इमेज बन रही है, दिस इमेज लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। ये इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी लेटरली, आपको लगेगा क्या, या आपका लेफ्ट वाला राइट है और राइट वाला लेफ्ट, सो दिया, ठीक है। ये ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की, प्लेन मिरर की बात होती है, स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं ये बात करते हैं। ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो कर्व हो इनवर्ड या आउटवर्ड। अब ये कर्व्ड का मतलब क्या होता है, कर्व्ड का मतलब होता है कि कोई भी जो सरफेस है वो राउंड की तरफ हो, क्या हो, राउंड, जैसे ये आपका स्फीयर नहीं होता है, राउंड हो जाता है, तो उस तरीके की जो सरफेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस, कुछ इस तरीके की सरफेस, इस सरफेस को हम क्या कहते हैं, कर्व्ड कहते हैं। अब भाई मीनिंग क्या, ठीक है, तो ये जो है राउंड वाली जो सरफेस है इसको हम क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस कहते हैं। तो अब ये कर्व्ड सरफेस जो है मॉल चल गया है, तो स्फेरिकल मिरर उसे कहते हैं जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हो वो कर्व्ड हो
इनवर्ड या फिर आउटवर्ड, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो कर्व जैसी, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टो स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं स्फेरिकल मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर, ठीक है, आपका जो है the reflecting surface curved, मतलब मुड़ा हुआ, if the reflecting surface is curved inward, और अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, कर्व हो इनवर्ड और आउटवर्ड, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर इसके कितने टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, वन इज द कॉनकेव मिरर और जो अदर है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये सब में रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर इनवर्ड होगा आपका कर्व होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, और दो टाइप्स में अगर हम देखें कॉन्केव मिरर कैसा होता है, दोज मिरर व्हिच हैव रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, अंदर की तरफ हो, उसे हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं, ठीक है। द मिरर विच हैव रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड, ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, इनवर्ड हो, उसे हम क्या कहते हैं, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, ठीक है, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा, ये कर्व है तो अंदर वाला क्या होता है ये, और बाहर वाला क्या होता है वो, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, ये है इनवर्ड और ये बाहर की तरफ से क्या होगा, पॉलिश्ड होगा, तो बाहर की तरफ जो पॉलिश सरफेस है वो कैसा है आपका, पॉलिश्ड है, और अंदर वाला सरफेस कैसा है आपका, रिफ्लेक्टिंग है, तो ये मिरर क्या कहलाएगा, ये मिरर कहेगा कॉनकेव मिरर। उसके बाद एक आता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा मिरर है, द मिरर विच हैव रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, बाहर की तरफ हो, उस मिरर को हम क्या नाम देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है।
if card convex mirror, ठीक है। और इसको outward की तरफ अगर देखें तो reflecting surface क्या हो, बाहर की तरफ हो तो polished कैसे किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा तो अंदर वाला polished कर दो, ये polished होगा। तो इस mirror का नाम क्या होगा, इस mirror का नाम होगा convex, इस mirror का नाम है convex mirror, ठीक है। और तो वीडियो में बताता हूँ, देखें ये हमारे पास दो मिरर हैं, इसमें से जब एक कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव है, ठीक है। तो अभी कौन सा कॉन्वेक्स है और कौन सा कॉनकेव हमको नहीं पता, क्योंकि ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनको टच करने से और इसमें अपना फेस देखने से पता चलेगा कौन कॉन्वेक्स है और कौन कॉनकेव है, ठीक है। तो फेस वाला सिस्टम तो अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन इसको हम टच करके पता कर सकते हैं कि कौन सा कॉन्वेक्स है और कौन सा कॉनकेव है। अगर हम मिरर को पीछे की तरफ से टच करें या हम आगे की तरफ से टच करें, ठीक है, तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमको ऐसे करेंगे तो अगर हमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड दिखाई देगा, उठा हुआ दिखाई देगा, राउंड करते हुए रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर महसूस होगा राउंड करते हुए, तो वो जो होगा आपका कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको टच करेंगे जब ऐसे, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमको थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देगा, थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देगा, तो उस मिरर को हम क्या नाम देंगे, कॉन्वेक्स मिरर देंगे, ठीक है। तो ये जो मिरर है एक्चुअल में इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा हुआ है, राउंड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो मिरर है वो कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर है। और ये दूसरा जो मिरर है इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग जैसा मुझे लगा है, ये जो हमारी जो फिंगर है वो अंदर धस गई फिर ऊपर उठी, अंदर धस गई और फिर ऊपर उठी, तो ये जो सरफेस है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इनवर्ड है और ये कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। तो इस तरीके से हम इसको पता कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जब आगे देखेंगे इसका पढ़ लेंगे तो इसको हम फेस में डिटेक्ट करके फेस के सामने रखकर भी चेक कर सकते हैं ये कैसा मिरर है, और लाइट मारकर भी चेक कर सकते हैं ये कैसा मिरर है, ठीक है, ठीक है। और कल फिर हम आगे की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ मिरर के इसके जो टर्मिनोलॉजी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये कहां से निकल कर सामने आया है, ये सारी की सारी बात हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।